श्रमणी गैडलिंग ने लिखा है, नमन गुरुजी, आई एम सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट. फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज नो वन टेक्स द इनिशिएटिव टू टॉक टू एंड ऑलवेज आई ओनली अप्रोच देम टू टॉक विद मी एंड दैट मेक्स मी फील लोनली एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कॉन्ट कंसंट्रेट इन एनी अदर एक्टिविटीज. देखो, तुम वहाँ गई हो पढ़ाई के लिए, पढ़ो, लोगों से बात हो ना हो ये मायने नहीं रखता. खुश रहो, अपने अपने जो होने को है थोड़ा सा इतनी प्रसन्नता से भरो कि तुम मैग्नेटिक बन जाओ. लोग आएंगे तुमसे बात, दूसरों से बात करने का कोई बड़ा मसला नहीं है. नेचुरल फ्लो में चलने दो चीज़ों को. मुख्य चीज़ है पढ़ाई करना. लोनली, लोनली देखिए दुनिया में कोई नहीं है. लोनली एक मिथ है जो लोगों के अंदर डाल दिया गया है. व्यक्ति अपने आप में पर्याप्त है, व्यक्ति अपने आप में सफिशिएंट है. जो तुम्हारी ट्यूनिंग में होगा वो तुम्हारे साथ ट्यून्ड हो जाएगा, जो तुम्हारी ट्यूनिंग में नहीं है वो नहीं होगा. इतनी परवाह मत करो, क्योंकि इसको अगर तुमने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया तो तुम्हारे लिए एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी कि लोग बात नहीं करते. ना करें, वो उनकी समस्या है, तुम्हारी समस्या नहीं है. मैं यूनिवर्सिटी में था, जब मैं अपनी स्टडीज़ में था मैं तो बड़ा खामोश रहता था अपने में, ज़्यादा बात बात में करता नहीं था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन लोग ढूंढ ढूंढ कर बात करने आ जाते थे मेरे पास. मुझे इस बात से परेशानी होती थी कि कैसे बचा जाए, तो मैं बचने के उपाय निकालता था. तो पॉइंट ये है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं. देखो, एक किसी का एक मित्र हो वो भी काफ़ी होता है, किसी के 100 मित्र हो वो भी बेकार हो सकते हैं, और सबसे पहला मित्र तो व्यक्ति स्वयं अपना होता है. अभी युवा हो, पहला काम अपनी मैत्री का करो, अपने से प्रेम करो, अपनी खुशी में जियो. दुनिया में सबसे जो कमी है वो है प्रसन्नता की और प्रेम की. लेकिन ये हम दूसरों से पाना चाहते हैं, समस्या ये है. पहले वो अपने अंदर लाओ, और फिर जब तुम्हारे पास होगा वो बटेगा. देखो, जीवन बड़ा कटु सत्य पर है. फूल खिलते हैं, अनगिनत लोग उनके पास जाते, लेकिन जब फूल मुरझाते हैं तो कौन पास जाते हैं. तो फूलों की तरह खिलो, लोग यूं ही तुम्हारे पास ठिठकेंगे. अगर तुम अप्रसन्न हो जाओगे, अकेला अनुभव करोगे, तो लोग कटे कटे रहेंगे. लेकिन इन सारी बातों को अगर हटा दिया जाए तो मूल बात अगर हम कहें, जब तुम अपनी स्टडीज़ में हो, पढ़ाई में हो, तो अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में रखो. तुम्हारे लिए तो बेहतर है कि तुम्हारा समय बच रहा है, तुम्हारी रुचि ध्यान में है, बेशक इसीलिए तुम यहाँ पर हो इस प्लेटफॉर्म पर. तो ध्यान में डूबो, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ो, कुछ अच्छी चीज़ें सुनो और खुश रहो. अच्छे ढंग से पढ़ लोगे, आगे जाओगे, ज़िंदगी और आसान होगी. और अपने से मैत्री करो, अपने से प्रेम करो, अपने साथ प्रसन्न होना सीखो. पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है, अकेला दुनिया में कोई है ही नहीं. तो लोनली फील करने का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग से निकाल दो, उसकी ज़रूरत ही नहीं. मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से तुमको ये बात कहता हूँ कि मैं बचपन से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी अकेले ही रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था द होल एग्जिस्टेंस इज़ विद मी, द होल मिस्ट्री इज़ मूविंग विद मी. ज़रूरत ही नहीं है, पूरा कारवा बनेगा. आज तुम देखो, आज मेरे साथ पूरी दुनिया से कारवा चलता है, और मैं पर्सनली, मेरा टाइप बिल्कुल अलोन टाइप है, अकेले होने वाला टाइप है. तो कोई समस्या नहीं है, सब अच्छा है. बस पढ़ो पढ़ो और अच्छे से पढ़ो.
Thank you.